परमेश्वर मधुर वाणी सुनकर कि हम आप सब अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके जीवन को धन कर पाते हैं। जो गुणायतन प्रणेता संकसान प्रवर्तन भावना प्रवर्तक एवं संपर्क समय के रूप में जगत विख्यात हैं, ऐसे गुरुदेव के चरणों में बैठ करके हम अपनी शंकाओं के समाधान हमें नहीं अभी भी सारे लोग जो अपने अपने घरों में बैठ करके जिनवाणी एवं पायाचरण के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं, उन सब का हम इस मंच की ओर से जो है प्रसाद इंदौर में अवस्थित है इस मंच की ओर से आप सबका उन सबका वंदन करता हुआ आप सबको संबद्ध कर रहा हूँ गुरुदेव के चरण से। आइए हम गुरुदेव के चरण जुड़े, उसके पूर्व हम गुरुदेव का आशीष गुरुदेव का वरदहस्त प्राप्त करना चाहते हैं। अतः मेरे साथ उच्चारिये नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। आज गुणायतन जिसकी महिमा जगत विख्यात है, इस गुणायतन से संबद्ध होकर के संस्थापक सदस्य के रूप में श्रीमान संजय जी, ऋतु जी जैन, अभिक जैन, सेक्टर 2 रोहिणी दिल्ली, जो ऑनलाइन ऑनलाइन संबद्ध हुए गुणांतन से, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ अनुमोदना करता हुआ आप सबसे बंद कर निवेदन करूँगा, आप तानी हो जाकर के अनुमोदना कीजिएगा और ये भावना भाई है कि आप भी गुणांतन से जुड़ करके अपने जीवन को गौरवान्वित कर सकें। मैं आप समाधान चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप हम गुरुदेव समाधान प्राप्त करें, तो मैं गुरुदेव से समाधान प्राप्त हो इसके लिए परम पूज्य संधान सागर जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, निवेदन करता हूँ। गुरुदेव इस कार्यक्रम को गतिशीलता प्रदान कीजिए। नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु, नमोस्तु। ओम। पूज्य गुरुवर के चरणों में हम सब आज का यह सत्र प्रारंभ करते हैं और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मुस्कान जैन इंदौर, वे अपना प्रश्न करेंगी और उसके बाद में तैयार रहेंगे निधि जितेंद्र जैन वैभव नगर, जिनका भी नाम बोले वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि माइक मैन आपके पास में अपना माइक लेकर जा सके। हाँ मैं वह जी, जो लोग नाश्ता करके मंदिर जाते हैं तो उन्हें किस प्रकार का दोष लगता है? देखो, मंदिर जाने वाले को नाश्ता नहीं करना चाहिए, पर नाश्ता करने वाले को रास्ता में मंदिर मिल जाए तो जरूर जाना चाहिए। समझ गया? उत्तम तो यही है कि हम बिना कुछ खाए पिए मंदिर जाए, लेकिन जिनसे नहीं बनता वो जितना करे उतना अच्छा। ओ निधि जितेंद्र जैन, ओ वैभव नगर, वे अपना प्रश्न करें, उसके बाद में समोसरण महिला मंडल उनके अध्यक्ष श्रीमती रेणु गोदा प्रश्न करेंगी। मुनि श्री प्रमाण सागर जी, मुनि श्री निवेश सागर जी एवं मुनि श्री असंधान सागर महाराज जी के चरणों में त्रैबाय नमोस्तु। महाराज जी, हम घर पर अपने हेल्पर्स की पहुंच के दूर से अपना भोजन, धुले वस्त्र इत्यादि दूर रखते हैं। बच्चों को लगता है कि हम भेदभाव कर रहे हैं। बच्चों की शब्दों में बोलें तो वो हमें बोलते हैं हम स्टीरियोटाइप है, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। महाराष्ट्री, मैं जानना चाहती हूँ कि हम बच्चों को उनकी भाषा में ये कैसे बताएं कि ये भेदभाव नहीं है, ये हमारा जैन धर्म का ही एक नियम है। ऐसा है, एक जगह में था, एक डॉक्टर साहब आहार देने के लिए आए और संयोग से उनको जो धोती मिली वो ऐसी धोती थी जिसमें 1760 सलवटे थी, समझ रहे ना, सलवटे, और पता नहीं किस पोटली से निकाल करके आए, आ गए आहार देने के लिए। मैंने उनसे आहार नहीं लिया, ओ मैंने उनसे आहार नहीं लिया। उन्होंने बाद में मुझसे पूछा, महाराज श्री आपने मुझसे आहार क्यों नहीं लिया, मैं तो सोले की धोती पहना था। मैंने कहा ये बताओ ऐसे कपड़े में आप ऑपरेशन थिएटर में जाने को तैयार हो? बोले नहीं। तो बोले जैसे कपड़े से आप ऑपरेशन थिएटर में नहीं जा सकते, वैसे कपड़ों से आप हमें आहार कैसे दे सकते? समझ गया?
जहाँ तक स्टेराइज होने का सवाल है, स्टेराइज वस्त्र शुद्ध है मानता हूँ, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल शुद्धि का नहीं, हमारा उद्देश्य शुद्धि के साथ प्रासुकता का भी। जब कपड़ों को हम स्टेराइज करते हैं तो उसको हम विशेष रूप से वाष्पीकृत करते हैं, वो नेचुरल प्रोसेस से नहीं सूखता, लेकिन जो आप कपड़ा धो करके सुखाते हैं वो सूर्य के प्रकाश में सूखता है, तो स्वाभाविक रूप से सूखता है। इसलिए हम लोग उस वस्तु को स्वीकार करते हैं, जितना हमसे बन सकता है हमको अपनी शुद्धि का पालन करना चाहिए। ये चीज़ें उनको ये बताना चाहिए कि जैसे इन्फेक्शन से बचने के लिए एक डॉक्टर भी अपने वस्त्रों की शुद्धि रखता है, वैसे ही हिंसा से बचने के लिए एक श्रावक को भी अपने वस्त्रों की शुद्धि रखनी चाहिए। महाराज जी थोड़ा सा बोलूं क्या? हाँ। वो एक्चुअली वो ये बोलती है कि सभी बराबर हैं, चाहे हम हो चाहे हेल्पर हो, फिर हम उनको ऐसा क्यों करते कि भाई हमारे धुले कपड़े, हमारा भोजन या हमारा सामान वो नहीं छुए। मैं मतलब ऐसा करती हूँ घर में। देखो कुछ हमारी अपनी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का पालन तो सबको करना चाहिए। एक हेल्पर हेल्पर है, आप है। हमारे यहाँ कुलाचार का जिस रीति से पालन होता है वो लोग नहीं करते, शुद्धि अशुद्धि का पालन नहीं होता, उसमें हमारी मर्यादाएं खंडित होती हैं, तो जिससे हमारी मर्यादा नष्ट हो जाए वो उचित नहीं है, इसलिए नहीं रहे। समोसरण महिला मंडल की अध्यक्ष रेणु गोदा अपने पूरे मंडल के साथ में एक साथ खड़े हो जाएंगे और प्रश्न करेंगे। उसके बाद में विपुल जी जैन महासचिव पद्मावती पुरवाल दिगंबर जैन समाज। प्रश्न करो जल्दी, पहले से तैयार रहने के लिए बोलो। विपुल जी तैयार रहे। समोषण महिला मंडल कंचनबाग की ओर से महाराज सब इकट्ठे आ सकते हैं। त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम ओम। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराष्ट्र देश की स्वच्छ नगरी इंदौर में आपका चातुर्मास सानंद और अभूतपूर्व संपन्न होने जा रहा है, तो महाराज श्री हम इस वर्षा योग में अपने मन की आंतरिक शुद्धि कैसे करें जिससे हमारी विशुद्धि भी बढ़े और हम शुद्धोपयोग में आगे बढ़ें और समाज में युवा पीढ़ी के साथ चलकर एक नई चेतना का विकास कर सकें, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। आपने अपनी विशुद्धि को बढ़ाने के लिए और विशुद्धि को बढ़ाते हुए शुद्धोपयोग तक जाने का भाव प्रकट किया है जी, बहुत प्रशंसनीय। पर मैं ये कहता हूँ शुद्धोपयोग तो आज की तारीख में बहुत दुर्लभ है, शुभोपयोग भी बन जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाए जी। अपनी विशुद्धि को मेंटेन करने के लिए चार बातों से सदैव बचिए। सबसे पहली बात, नकारात्मक बातों से। कोई कितनी भी नकारात्मक बात कहे हम उससे अप्रभावित रहें, नकारात्मकता से अपने आप को बचाएं। दूसरी बात, प्रतिक्रिया से। कोई कैसी भी प्रतिक्रिया करे हमें उससे प्रभावित नहीं होना, अप्रभावित रहना। हम सामने वाले की अच्छी बुरी प्रतिक्रिया से प्रभावित होते हैं और उससे हमारे अंतरंग की विशुद्धि खंडित हो जाती है। तो नकारात्मकता से और प्रतिक्रियाओं से अपने आप को बचाएं और शुभ आलंबनों को अपनाएं। जितना बन सके शुभ आलंबनों से अपने आप को जोड़े रहें और हर पल एक ही बात रखे मन में, एक आत्म सुझाव, जो चौथी बात कि मुझे हर पल सहज और प्रसन्न रहना है। यदि इसे हम आत्मसात करेंगे तो हमारे हृदय की विशुद्धि सहज रूप से प्रकट।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी मैं भावना योग पे बताना चाहती हूँ। नमोस्तु महाराज जी, मुझे पहले मतलब 8-10 साल हो गए, उसके पहले अल्सर, कोलाइटिस और अस्थमा दोनों ही था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। उसके बाद से मतलब जब से आपके ये शंका समाधान में सुन रही हूँ, जब से शुरू हुआ है और भावना योग का जब से चालू हुआ, मैं डेली भावना योग कर रही हूँ और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और अभी भी डेली मेरी भावना योग करती हूँ, सभी को बोलती हूँ कि भावना योग से बहुत आराम होता है, सभी स्वस्थ हो जाते हैं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। विपुल जी जैन इंदौर, वे अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद पीयूष जी जैन इंदौर तैयार रहे। गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु, समस्त उपस्थित मुनि संघ के चरणों में नमस्तु। महाराज जी, विद्यालय के बाद कोई भी गुरु नहीं बना पाया हूँ और व्यवहारिक जीवन में निश्चित ही गुरु की आवश्यकता महसूस होती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि गुरु को कैसे पहचानूँ, गुरु को क्या देखकर पहचान सकते हैं। जैसे आपको देखकर मुझे लगता है कि मैं आपको गुरु बना सकता हूँ या आपका शिष्य बन सकता हूँ, या उन वाणी से, गुरु की वाणी से या विचारों से गुरु बनाया जा सकता है। आपने अपना गुरु कैसे बनाया था? और साथ ही मुझे ये भी बताइए कि एक अच्छे शिष्य की योग्यता क्या होती है और गुरु और शिष्य में तालमेल कैसा होना चाहिए। ये प्रश्न मेरा वैसे गुरु पूर्णिमा पर तैयार किया था, पर बहुत सारे गुरु आपके साथ थे उस दिन, मैं प्रश्न नहीं कर पाया था। आज मैं ये प्रश्न आपके सम्मुख रख रहा हूँ। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जहाँ तक गुरु के चुनाव का सवाल है, मेरा कहना है गुरु को खोजा नहीं जाता, शिष्य बना जाता है। आपके सवाल के उत्तर में मैं एक प्रसंग कहना चाहूँगा। जिनेंद्र वर्णी 1980 में मुक्तागिरी के चातुर्मास में गुरु चरणों में आए, शीश नवाया, नमन किया, आंखों से अश्रु की तीव्र धार। उससे पहले वे खजुराहो में आए थे और सागर की सिद्धांत वाचना में उनकी प्रमुख भूमिका थी। इससे मध्य उन्होंने गुरुदेव को निकटता से देखा, गुरुदेव का विहार सागर से होकर मुक्तागिरी तक चातुर्मास के लिए हुआ। और गुरुदेव जब मुक्तागिरी में चातुर्मास में विराजमान हुए, तब वहाँ आकर उन्होंने जो बात कही, कहा गुरुदेव, पहली बार उनके मुख से गुरुदेव शब्द निकला था, गुरुदेव मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया वह सब अधूरा अधूरा था। आप जानते होंगे जिनेंद्र वर्णी जैन जगत के मूर्धन्य मनीषी और एक बड़े सशक्त हस्ताक्षर थे, स्तंभ थे। जैनेन्द्र सिद्धांत कोष जैसे 5 वॉल्यूम में जिन्होंने कोष की रचना की। विद्वान, मनीषी, अध्यात्म वेत्ता, चिंतक थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सब काम अधूरा है, क्योंकि मैंने आज तक किसी को गुरु नहीं बना, मैं आज तक किसी को गुरु नहीं बना सका। और इसमें कमी गुरु की नहीं थी, कमी मेरी थी। इसमें कमी गुरु की नहीं थी, कमी मेरी थी, क्योंकि मैं शिष्य नहीं बन सका। मैं शिष्य नहीं बन सका, गुरुदेव आपके चरणों में दास समर्पित होने आया है, कृपा कर अनुग्रहित कर मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपके चरणों में अपने आप को अर्पित करता हूँ। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया
गुरु चरणों में वह समर्पित हुए। उसके बाद उन्होंने संलेखना का निवेदन किया और 1983 में ईसरी में उनकी उत्कृष्ट संलेखना हुई और उस संलेखना में गुरु जी ने जो जो कहा उन्होंने उसे ही अपनाया। ये प्रसंग मैंने आप सबको इसलिए सुनाया कि गुरु को पाने के पहले अपने हृदय में शिष्यत्व को जगाना जरूरी। अब सवाल है, जिसे हम गुरु के रूप में तलाशते हैं वो कैसा होना चाहिए? अगर सीधे शब्दों में कहें तो जिस आध्यात्मिक सुख की हम खोज कर रहे हैं उस आध्यात्मिकता से जो भरा हो उसे ही अपने गुरु के रूप में चुनना चाहिए। जिसके हृदय में वो अध्यात्म का प्रकाश दिखे उसे अपने गुरु के रूप में चुन लो। और मेरा तो अनुभव ये बताता है, चुना नहीं जाता, संयोग तुम्हें खुद वहाँ पहुँचा देता है। मैंने गुरु को चुना नहीं, गुरु खुद मुझ पर अपनी कृपा बरसा गए और मैं गुरु का हो गया। चुनने वाले छानबीन करने वाले छानबीन करते रह जाते हैं, उनका बहुत सारा समय और शक्ति इसी में लग गया। लेकिन जिनका भवितव्य अच्छा होता है वे गुरु की शरण में जाते हैं, उनके शरणागत होते हैं और उनके हो जाते हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे परम पूज्य गुरुदेव मिले, मैंने गुरु को पाया, ये मेरा सौभाग्य है। पर उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि मैं गुरु का हो पाया। गुरु को पाना और गुरु का होना बहुत अंतर है। गुरु को बहुत लोग पाते हैं पर बहुत कम लोग हैं जो गुरु के हो पाते हैं। शिष्य कौन है? जो गुरु के प्रति समर्पित हो जाए। और समर्पण किसका? अपनी इच्छा शक्ति का समर्पण, अपनी निर्णय शक्ति का समर्पण, अपनी समझ शक्ति का समर्पण और अपने संकल्प शक्ति का समर्पण। गुरु की इच्छा के आगे मेरी कोई इच्छा नहीं, गुरु का निर्णय ही मेरा निर्णय। गुरु की बुद्धि के आगे मेरी कोई बुद्धि नहीं और गुरु के संकल्प के आगे मेरा कोई संकल्प नहीं। ये एक शिष्य की पहचान, जिसके हृदय में इस स्तर का समर्पण होता है वो शिष्य बन पाता है। बाकी भक्त होते हैं। भक्त और शिष्य में बड़ा अंतर है। भक्त गुरु का सेवक होता है, प्रशंसक होता है, अनुगामी होता है, सेवक होता है। लेकिन समर्पित हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो गुरु से ज़्यादा अपने घर परिवार और दुनियादारी में समर्पित होता है। लेकिन जो शिष्य हो गया उसके लिए अब और कुछ नहीं होता, उसकी पूरी दुनिया गुरु में आकर सिमट जाती है, वो वहीं समर्पित होता है। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है और गुरु तभी मिल पाएंगे जब अपने भीतर वैसा शिष्यत्व प्रकट कर पाओ। पर कदाचित तुम शिष्य न बन पाओ तो गुरु भक्त तो बनने की कोशिश करो। पर कैसे भक्त?
आदर्श भक्त है। आज नाम के गुरु भक्त तो बहुत हैं, लेकिन कहने को गुरु भक्त हैं, उनके हृदय में गुरुओं का कोई आदर्श नहीं। तो मैं कहूँगा सच्चे अर्थों में उसे गुरु भक्त कहलाने का अधिकार भी नहीं है। कई लोग हैं जो एक हाथों से गुरु के चरण दबा रहे हैं और मुंह में गुरु दबा हुआ है ना, एक ब्रांड है, क्या है? गुरु भक्त बनो तो तुम्हारे जीवन में गुरुओं का आदर्श दिखना चाहिए। जो प्रेरणा आप उनसे लेते हो, जो वचन आप उनसे सुनते हो, उसका एक अंश तो जीवन में दिखे, और वह जब दिखेगा तभी जीवन का पथ प्रशस्त हो। ठीक है, पीयूष जी जैन इंदौर, वे अपना प्रश्न करें। उसके बाद में प्रदीप जी काला रांची, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि निर्माल का सही मतलब क्या है? जैसे कि आजकल जैसे धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें हम भोजन वगैरह की जो व्यवस्था रहती है, अगर वो निशुल्क भी है और वहाँ पर हम भोजन करके आते हैं जैसे, तो और उस समय अगर कहीं दान वगैरह की व्यवस्था भी ना हो, वहाँ डालने की राशि की व्यवस्था ना हो, तो क्या हमें निर्माल का दोष लगता है महाराज जी? और जैसे आजकल देखते हैं कि मंदिरों में बहुत सारे लोग थोड़ा सा द्रव्य लेके जाते हैं और मंदिर के अंदर जो सामग्री लगी रहती है उसी से पूजन वगैरह करते हैं, ये सब करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, निर्माल क्या? देखिए, देव गुरु और धर्म के लिए जो कुछ भी समर्पित है, चाहे वो निवेदित हो अथवा अनिवेदित, उसे देव द्रव्य अथवा निर्माल की संज्ञा दी जाती। इसका हमें उपभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे देव द्रव्य अथवा निर्माल का उपभोग करने से घोर अंतराय कर्म का बंध होता है। जो इनका उपभोग करता है, समझ लो 7 जन्म का दारिद्र भोगना पड़ता है। इसलिए हमें ऐसे निर्माल का प्रयोग तो कभी करना नहीं। अब सवाल है कि हम धर्म क्षेत्रों में जाते हैं, साधु संतों के यहाँ जाते हैं, वहाँ भोजन की व्यवस्था रहती है, तो क्या उसका उपभोग करना भी निर्मल है? वो भोजन तब निर्मल होगा जब आयोजक देव द्रव्य से उस भोजनशाला को चलाएंगे। मेरे ख्याल से देश में ऐसा होता भी नहीं, और मैं सभी व्यवस्था के संचालकों से कहना चाहूँगा, कभी ऐसा करना भी मत। इसको आप सबसे बड़ा पाप तो उस व्यक्ति के सिर पर जाएगा जो उस द्रव्य से व्यवस्था कर रहा है। लेकिन अगर प्रभावना के लिए धन आया है और उस धन से उसकी व्यवस्था की जा रही है, तो वो निर्माल्य नहीं है, क्योंकि ये भोजन साधर्मी वात्सल्य का प्रतीक है और साधर्मी वात्सल्य भी प्रभावना का द्योतक है। यदि कोई दाता उसका पुण्यार्जक है और आप भोजन कर रहे हैं, तो भी निर्माल्य नहीं, लेकिन तब आप पाप के भागी हो सकते हैं जब जिनके लिए वो व्यवस्था नहीं है वो लोग भी उसमें शामिल हो। अगर आयोजकों के द्वारा सबके लिए घोषित है तो सब उसका उपभोग करें। आयोजकों के लिए एक क्षेत्र विशेष के लोगों की व्यवस्था है तो वो उसका उपभोग करें। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, अभी मुझे पता नहीं धर्म प्रभावना समिति ने क्या नीति निर्धारित की, पर अमूमन ये होता है कि बाहर से आए हुए लोगों की भोजन की व्यवस्था होती, बाहर से आए हुए लोगों की भोजन की व्यवस्था होती। अब आप लोकल हैं तो आपको तब तक वहाँ भोजन नहीं करना चाहिए जब तक आयोजक इसे घोषित न करे। अगर उसके बावजूद आप कर रहे हैं
तो ये अनाधिकृत प्रवेश है। लेकिन कई जगह व्यवहारिक दिक्कत होती है। महाराज जी आप यहाँ हैं, मेरा ऑफिस यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और मेरा घर उदयनगर में 5 किलोमीटर दूर है। मेरी इच्छा है कि मुझे शंका समाधान अटेंड करना है। घर जाता हूँ तो शंका समाधान छूट जाता है और शंका समाधान अटेंड करता हूँ तो रात हो जाएगी, अब क्या करें? तो महाराज हम यहाँ भोजन कर लें। ये समस्या जयपुर में आई थी, बड़ा शहर। अच्छा हुआ तुमने शुरू में ही पूछ लिया, जयपुर में बहुत बाद में बात आई, आज मैं व्यवस्था बना दूं। जयपुर में जब आई तो मैंने आयोजकों को कहा कि उनने लिख रखा था कि ये जयपुर नगर निगम की सीमा में रहने वाले लोग, नगर निगम से बाहर के लोगों की व्यवस्था है। अब जयपुर नगर निगम ही लगभग 30-40 किलोमीटर में फैला, तो उसमें क्या हुआ, दो तरह की स्थितियाँ हुई। कुछ लोग कि हमारी व्यवस्था नहीं तो वहाँ खाना नहीं चाहे, और कुछ लोग चाहते थे कि हम शंका समाधान में आ पाए तो भोजन मिले, अब कैसे करें? तो फिर जब मेरे सामने ये बात आई तो हमने कहा एक नीति बना दो, क्योंकि 1000-2000 तो बाहर के ही रोज आते थे, लोकल करने में उनको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। तो मैंने आयोजकों से ये कहा कि भाई ऐसी कोई व्यवस्था बनाओ कि स्थानीय लोग भी भोजन कर सके और उनके लिए आप एक शुल्क रख दो ताकि वो ससम्मान भोजन कर सके। मैं धर्म प्रभावना समिति से भी कहता हूँ आप घोषित तौर पर ऐसी व्यवस्था कर दीजिए, कार्यकर्ता आमंत्रित अतिथि वो तो उसको भोजन करने के अधिकारी हैं जिनको आपने बुलाया, और यदि आम जन हैं वो भोजन में लाभ लेना चाहते तो कराइए, ऐसे भी खुले हृदय से कराना चाहिए। आप लोग करा भी रहे, 10-10, 15-15 हजार लोगों का एक साथ भोजन कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत अच्छा उदाहरण। लेकिन इस दुविधा को मिटाने से, ताकि भोजन करने वालों के मन में किसी प्रकार की ग्लानि का भाव ना हो, हम बता रहे हैं बहुत अच्छा। लीजिए अशोक जी तो बहुत, पूरी कमेटी उदारता का परिचय दे रही है। इन्होंने कहा महाराज जी हम शुल्क केवल व्यवस्था की दृष्टि से लेंगे, जो भी राशि ये लोग निश्चित करेंगे, और जो पैसा आएगा उसको जीव दया में समर्पित कर देंगे। और लो दोहरा पुण्य। उन्होंने अध्यक्ष महोदय ने अभी आके कहा और महोत्सव अध्यक्ष पूरी कमेटी मुझे इशारा दे रही, बहुत अच्छी बात है, आइए और व्यवस्था बनाइए, अच्छी बात है, ये संदेश सब तक पहुंचा दीजिए। आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया प्रस्ताव? तो इस उदारता के लिए कमेटी का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। जो भी आपकी व्यवस्था वो घोषित कर दीजिए और मंदिरों में इसकी सूचना दे दीजिए। बहुत बढ़िया, देख लो भाई कमेटी वाले हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं। माइक मुझे तुम्हारा। बोलो। ऐसे तो हम लोग कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ राशि आएगी हम दयोदय महासंघ में देने का हमने प्रस्ताव पारित कर लिया है। हमें कोई राशि नहीं चाहिए भोजन की, लेकिन अगर कोई राशि मिलती है तो हम निश्चित रूप से दयोदय महासंघ, जो कि पूरा महासंघ बहुत श्री के उसमें ही चलता है, जीव दया संघ हाँ भी चलता है वो महाराज जीव दया के लिए हम जो बताएंगे वैसा हो। बहुत सुंदर, देखिए ये बहुत अच्छी बात है और इसमें आपकी व्यवस्था भी बनेगी, पर इसमें आपकी बाध्यता नहीं है, ये केवल व्यवस्था है। और अगर ऐसी व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो बात भी नहीं बनेगी, इसलिए अनुकरणीय पहल है, सभी को इसे अपनाना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद जी। हाँ, अब मैं आवाज दे रहा हूँ गुणायतन के संपर्क प्रमुख प्रदीप जी काला रांची, वे अपना प्रश्न तो कर ही रहे हैं, मैं उनके सम्मान के लिए यहाँ पर आवाज दे रहा हूँ। मुकेश जी पाटोदी मुख्य यजमान, साथ में ही
नवीन जी आनंद जी गोदा महोत्सव अध्यक्ष, अशोक रानी जी दोषी अध्यक्ष। हाँ यहीं आके कर दो, यहीं पर आके उनका सम्मान कर देंगे। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें और उसके बाद में तैयार रहेंगी स्वस्ति बहुमंडल इंदौर, अपनी तैयार रखेंगे। गुरुदेव आपने कह दिया सम्मान हो गया, समय बचाना चाहता हूँ। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव मैं आपके माध्यम से, मंच के माध्यम से और इस सभा में उपस्थित प्रत्येक श्रावक के माध्यम से एक जैन समाज की विशेष चिंता और सराग जाति के जनजातीय जैनों के प्रति आकर्षित करना चाहता हूँ। गुरुदेव आपके मंच से और अनेक संतों ने जैनों की घटती जनसंख्या के ऊपर में अनेक बार चिंता जताई है, लेकिन गुरुदेव झारखंड में, बंगाल के क्षेत्र में, उड़ीसा के क्षेत्र में ऐसे करीबन 20 से 25 हजार सराग जाति के लोग हैं जो पूर्वजों से जैनत्व को धारण किए हुए थे और जिन जगहों में रहते हैं उनका नाम भी हमारे भगवान महावीर के नाम से है, वीरभूम, सिंहभूम, वर्धमान जिला, ऐसी जगहों में वो रहते हैं। लेकिन पिछले 50 पीढ़ियों से धीरे धीरे जैन धर्म से उनका संपर्क चूंकि घट गया तो जैनत्व की सारी चर्या को वो भूल गए, धीरे धीरे सिद्धांतों को भी भूल रहे हैं। बचा हुआ है सूर्यास्त के बाद अनेक लोग भोजन नहीं करते, जहाँ अंडा बिकता वहाँ से राशन नहीं खरीदते, लेकिन अनेक लोग जो बंगाल के क्षेत्र में हैं परिवेश में आकर के जैनत्व भूल कर मांसाहार को ग्रहण करने लग गए हैं। तो क्यों नहीं ऐसे 20-25 हजार परिवारों को हम जैन समाज में शामिल करें। पहले तो मैं चाहूँगा आप लोग कर लो, एक बार प्रदीप भाई का जोरदार अभिनंदन कर दें। बंधुओ प्रदीप जी गुणायतन के संपर्क प्रमुख हैं और इनका सबसे अच्छा परिचय मैं ये देना चाहूँगा कि एक बहुत सफल व्यापारी होने के बावजूद इन्होंने एक अनुकरणीय आदर्श उपस्थित किया। मैं जिस बात का उल्लेख करने जा रहा हूँ प्रदीप भाई के लिए आप सब ध्यान रखें, इनकी एक बहुत बड़ी कंसल्टेंसी और फाइनेंस की कंपनी थी और इन्होंने जिस दिन इनके 60 वर्ष पूरे हुए अपने बेटे के ऊपर सारा दायित्व सौंप कर खुद को बिजनेस से रिटायर कर लिया है। पूरा समारोह पूर्वक अब इन्हें बिजनेस से कोई मतलब नहीं, सिस्टम बना दिया और अपना पूरा समय धर्म ध्यान और समाज सेवा के लिए समर्पित करते हैं। गुणायतन के इस संपर्क को देखते हैं, संपर्क प्रमुख है और इसी के अंतर्गत जो अभी सराक क्षेत्र में सराकों के कल्याण और उत्थान का उपक्रम चल रहा है उसके गुणायतन की ओर से पूरा प्रभार इनके हाथ में। नमस्ते। अभी जो आपने कहा 20-25 हजार परिवार, लगभग 25 हजार की संख्या तो केवल झारखंड में है, परिवार नहीं व्यक्तियों की संख्या 25 से 30 हजार जो विशुद्धतया शाकाहारी सब मिलाकर बिहार, बिहार में तो नगण्य है, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में इनकी संख्या लगभग 3 लाख से अधिक है। हमने समेत शिखर के प्रवास में इस दिशा में काम किया और शिखर जी के बिहार, शिखर जी से बिहार करके हम उधर ही जा रहे थे लेकिन संयोग बदल गया। वो उपक्रम पिछले अनेक वर्षों से विभिन्न संगठनों के द्वारा चल रहा है। गुणायतन इस दिशा में बहुत प्रयासरत है, प्रदीप जी की अगुवाई में बहुत अच्छा काम हो रहा है, हम लोगों को उस दिशा में काम करते रहना चाहिए। और मैं चाहता हूँ अभी मंचों पर इस विषय को लाने की जगह कुछ कॉन्क्रीट काम करना चाहिए जी। गुरुदेव जो रूपरेखा और कार्य योजना आप लोगों ने बनाई है उसे क्रियान्वित करें और इन भाइयों को अपने साथ जोड़ना है और हमें तो ये अभियान चलाना ही इस चातुर्मास में। हम इस बात को जोड़ना चाहते हैं
कि इस चातुर्मास में पूरे देश में एक सूत्र रखना चाहिए, जैन बनाओ जैन बढ़ाओ। तभी हम जैन धर्म को दीर्घ काल तक सुरक्षित रख पाएंगे। और इसके लिए ये तो जन्मना अगर देखा जाए, मूलतः ये सब जैन है, भटके हैं, बहुत सारे लोगों का जुड़ाव हुआ, आगे बहुत अच्छी संभावनाएं। आपसे मैं यही कहूँगा, 3-4 दिन में आपने पर्याप्त ऊर्जा ले ली है, जाइए लगिए और इस बार के पॉल्यूशन में जैन संघ पूना को साथ लेकर ऐसा कुछ कीजिए जो एक मिसाल बने। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। स्वस्ति बहुमंडल कंचनबाग इंदौर से निर्वेद जैन अपना प्रश्न कर रही है और उसके बाद में तैयार रहेंगे सरला सामरिया इंदौर। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु न जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हम बच्चों को अपने पास जब तक रहते हैं तब तक हम बड़े प्यार से उनको सारे नियम दिलवाते हैं महाराज जी से, उपवास व्रत सब दिलवा देते हैं कि मोक्ष सप्तमी करो, पंचमी करो, अनंत चतुर्दश करो, लेकिन जब वो हमारे पास से बाहर चले जाते हैं, हॉस्टल चले जाते हैं, ना उन्हें वहाँ देव दर्शन मिलते हैं, ना व्रत उपवास के करीब अनुकूल माहौल मिलता है, तो इसका दोष हमें लगता है या उन्हें लगता है व्रत टूटने का? बच्चे हॉस्टल जाते हैं कि आप उन्हें हॉस्टल भेजते हैं? महाराज जी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, लोक व्यवहार के हिसाब से पढ़ने के लिए भेजना ही रहता है। भेजिए, क्यों ना हम ऐसी कुछ व्यवस्था करें कि बच्चों को ऐसे ही हॉस्टलों में भेजें जहाँ उनका देव दर्शन भी पल जाए और रात्रि भोजन का त्याग भी हो जाए। महाराज जी अभी इस दिशा में कुछ ठोस उपक्रम करना चाहिए। अभी एक ही आपकी बात नहीं, मैं सब की बात कर रहा हूँ। हम लोग प्रायः इन बातों को नज़रअंदाज करने लगे। अब चलता है, चलो अब तो आप लोग वेज नॉन वेज संयुक्त मैस से भी परहेज नहीं करते, तो ये शिथिलता हमारे सारे संस्कारों को तहस नहस कर रही है। अपने संस्कारों के प्रवाह को बनाए रखने के लिए हमें थोड़ा गंभीर होना आवश्यक है और समाज में इस विषय पर व्यापक चिंतन की आवश्यकता है। जब तक इस दिशा में ठीक ढंग से सोचा नहीं जाए तब तक अच्छे परिणाम नहीं आए। ओ नमोस्तु महाराज। और अभी महाराज जी जो शिविर लगा रहे हैं, महाराज जी लोग बच्चों के लिए शिविर लगा रहे हैं, वो उनको उनके संस्कारों में सुदृढ़ करने वाले होंगे। हम प्रयास करें। सरला सामरिया इंदौर अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद तैयार रहेंगे व्योम मणिधर विदिशा। परम पूज्य गुरुवर व समस्त मुनि संघ के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 करती। गुरुवर मेरा प्रश्न यह है कि क्या बुद्धि व प्रतिभा जन्मजात मिलती है? अपनी मेहनत व प्रयासों से हम इसे कितना बढ़ा सकते हैं? आपकी विलक्षण मेघा पर प्रतिभा देखकर हम सब सोचते हैं, विस्मित होते रहते हैं व चाहते हैं कि आपके जैसी बुद्धिमता का 1% भी हम पा सकें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अभ्यास सारिणी विद्या बुद्धि कर्मानुसारिणी भाग्यानुसारिणी लक्ष्मी कीर्ति दानानुसारिणी, ये उक्ति हमारे शास्त्रों में है। हमारे पास दो चीजें हैं, एक है विद्या और बुद्धि। विद्या अभ्यास से विकसित होती है, यानी हम जितने भी प्रकार की विद्याएं हैं, चाहे वो कला हो, शिल्प हो, आज के संदर्भ में कहें तो टेक्नोलॉजी, ये प्रैक्टिस से चलती है। जितना अधिक अभ्यास करोगे, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी विद्या में उतना निखार आएगा। लेकिन बुद्धि के विषय में कहा गया
कि बुद्धि नैसर्गिक होती है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। जन्म जात संस्कार हमारे अंदर होते हैं। कुछ लोग जीवन के प्रारंभिक दौर से ही प्रत्युत्पन्न मति होते हैं, लेकिन इसमें भी निखार आता है दो माध्यमों से, जो मैं अपने जीवन के अनुभव से कहता हूं। मंद कसाय भाव और गुरु की कृपा, बुद्धि को प्रखर बनाने का सशक्त आधार है। आज आप सब मेरे विषय में जो भी सोचते हैं, पर जब तक मैं गुरु चरणों में समर्पित नहीं हुआ था, तब तक मुझे कोई भी विषय तीन चार बार पढ़ना पड़ता था, तब अवधारित होता था। और जब से मैं गुरुदेव के शरणागत हुआ, अब किसी भी विषय को दो बार से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मेरे स्मृति पटल पर अंकित हो जाता है। जब मैं इस पर विचार करता हूँ, तो इसमें मुझे गुरु की कृपा और संयम, जिससे मंद कषाय भाव बढ़ता है, ये दो कारण दिखते हैं। और यही बात शास्त्रों में भी लिखी है। तो जो बातें शास्त्रों में लिखी है उसको हम अनुभव करते हैं। तो जो ज्ञान है, ज्ञान के विषय में आचार्य वीरसेन महाराज ने सरखंडागम में एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी कि ज्ञान के चार चरण होते हैं, जिसमें एक चरण हमें गुरु बताते हैं, दूसरा चरण शिष्य अपनी बुद्धि से ग्रहण करता है, तीसरा चरण विनय से पूर्ण होता है, और चौथा चरण समय से पूर्ण होता है। पादम आचार्य माचस्ते, पादम शिष्य स्वमेधया, पादम विनयेन आपनोति, पादम पादह कालेन पच्यते। तो ये चीजें हमें समझना चाहिए। कितनी भी नैसर्गिक प्रतिभा क्यों ना हो, गुरु के मार्गदर्शन और आलंबन से उसमें निखार आता है, और स्वयं के पुरुषार्थ और अभ्यास से भी हमारी प्रतिभा निखरती है। इसलिए प्रतिभावान को सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। ओ जी बणिधर विदिशा अपना प्रश्न रखें, उसके बाद में श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची तैयार रहेंगे। गुरुओं के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी मेरा प्रश्न, एक इंग्लिश की ओल्ड सेइंग है कि फियर, इंग्लिश में एक कहावत है कि फियर हैज टू मीनिंग, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, एंड दूसरा जो है वो है फेस एवरीथिंग एंड राइज। पहला जो है फियर के दो मतलब होते हैं, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, दूसरा है फेस एवरीथिंग एंड राइज। तो गुरुदेव, हम हमारे डरों को कैसे भूल के भागने की जगह हम उनको फेस करके राइज करें जीवन में। फेस एवरीथिंग एंड राइज, बहुत अच्छी बात। देखो बंधुओं, पहले तो मैं कहूँगा एक बार जोरदार करता ध्वनि से व्योम का अभिनंदन कर दें। कल एक भाई मुझसे कह रहे थे, महाराज जी आपके पास ये जो लड़के हैं ये सब बड़े अच्छे हैं, इनकी सैलरी कितनी? हमने कहा भैया ये सब सेवा भाव से समर्पित लोग हैं, इनको आप पेड स्टाफ की तरह देखने की गलती मत कीजिएगा। मैं इस व्योम का परिचय आप सबसे कराऊं। अभी विदिशा में हमने जिस मंदिर का पंचकल्याणक कराया, वहाँ अपने भूखंड पर जिस भूखंड की कीमत लगभग 5,000 रुपया स्क्वायर फुट से कम की ना हो,
अपने भूखंड पर अपने द्रव्य से संपूर्ण मंदिर का निर्माण कराकर पंच कल्याणक कराया और पंच कल्याणक में पूरा अपना द्रव्य खर्च किया और उसके साथ 121 कलश शीतल विहार को समर्पित किया। ये परिवार है, प्रेरणा लो सेवा कैसे की जाती है। और निमित्त भी जितने हैं, चाहे व्योम हो, चाहे विवेक हो, चाहे मनु हो, चाहे अक्षय पीयूष है, ये सब 8-10 लड़के और भी हैं, आते जाते हैं, ये इनका समर्पण है। ये लोग कहते हैं महाराज घर जाते मन ही नहीं लगता, यहीं अच्छा लगता, इसलिए इनको जितने भी लड़के हैं ये सब तुम्हारे ही बेटे हैं और कोई पेशेवर लोग नहीं हैं, इनका सत्कार करो और इनसे प्रेरणा पाकर तुम भी सेवा में आगे बढ़ो। समझ गया, और जितेंद्र है, जितने भी लोग हैं ये सब अच्छे भरे पूरे परिवार से संबद्ध है और सभी का अपना व्यवसाय भी है। मैं तो चाहूँगा आज इकट्ठे नहीं, कल सब इकट्ठे आओ तो इन सब का सत्कार भी होना चाहिए। कल के संघ का, आज नहीं कल, अभी तो आधे हैं। अब जैसे ये हरीश जी हैं, हरीश जी कागजी अभी नहीं, कल करेंगे इकट्ठे। हरीश जी कागजी ये गुणायतन के ट्रस्टी हैं और दिल्ली के एक बड़े पेपर व्यवसायी हैं कागजी, और अब इनने अपना सारा व्यवसाय बच्चों को सुपुर्द कर दिया और ये लगभग अब संघ में ही रहते हैं और व्यवस्थाएं देखते हैं। तो आप लोगों को लगता जरूर है कि इतना टाइम आदमी कैसे दे देता है, इनको कोई काम नहीं है क्या, लेकिन मैं इतना कहूँगा पैसों से सब काम नहीं होता, भावनाएं सब कुछ करा देती हैं। तुम्हारा जो सवाल है कि फेयर के लिए हम क्या करें, फेस एंड राइज या रन एंड फॉरगेट, फॉरगेट एंड रन, देखिए दोनों स्थितियां हैं। यदि हमारा कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा तो हम कहेंगे फेस एंड राइज, और कॉन्फिडेंस वीक होगा फॉरगेट एंड रन, कुछ नहीं हो। मैं अपने जीवन का एक अनुभव बताना चाहूंगा। मैं ब्रह्मचारी था, खुरई में था, वहां लाल मुंह के बड़े भयानक बंदर हैं, खतरनाक। मैंने अपनी धोती छत पर डाली थी सूखने के लिए और धोती उठाने के लिए गया, तो जैसी धोती को उठा रहा था तो कुछ बंदर आ गया, उसमें एक बड़ा कद्दावर बंदर था और मुझे देखकर वो जोर जोर से बिल्कुल खुखारने लगा, भपकी देने लगा। मैं उसको देखकर भागने लगा, ये बंदर मुझ पर अटैक ना कर दे, लगने ना कर देना पड़ जाएगा। तो जब बंदर मेरे प्रति आक्रामक हुआ मैं उससे डरकर भागने लगा, तभी वहाँ का माली देख लिया, और उन दिनों भैया जी नहीं बोलते थे, 1985 की बात बोल रहे हैं, ब्रह्मचारियों को त्यागी जी बोला जाता, और मुझे तो लगता हम लोगों को त्यागी जी बोला जाता था इसलिए जल्दी त्यागी बन गए, भैया जी अभी भी भैया जी बने हुए। तो हम लोगों को त्यागी जी बोला जाता था, तो उस माली ने कहा त्यागी जी भागिए मत। जैसे उनने बोला भागिए मत, मैं ठहर गया। मैं ठहरा तो बंदर भी वहीं ठहरा, और तब तक माली आ गया। माली की शक्ल देखते ही बंदर रफु चक्कर हो गया, तो मैंने एक सूत्र अपनाया और तब से आज तक मैं अपने जीवन में अपनाता हूं कि जब भी किसी परिस्थिति के बंदर की भपकी हो, जब भी परिस्थिति का बंदर भपकी दे तो डर कर भागो मत,
डटकर सामना करो। जो फ्रंट में उसे फेस करो, इसलिए फेस एंड राइज, उसे एक चैलेंज मानो और अपनी कुशलता से उसे एक अचीवमेंट में परिवर्तित करो। चुनौतियों को उपलब्धि में बदला जा सकता है, बशर्ते तुम्हारे भीतर वैसा आत्मविश्वास हो। जो मनुष्य छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, वे जीवन में कुछ नहीं कर पाते, इसलिए इसे हमें बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची में अपना प्रश्न कर रही, और ब्रह्मचारी सुनीता दीदी बासा जो शिरोमणि संरक्षक बनाए थे तैयार रहे। ओ महाराजों का भी सवाल फास्ट। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, और छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, भाषा कोई समझे या ना समझे, लेकिन भावनाएं सब समझते हैं। तो हम लोग अपनी हर पल सबके लिए भावनाएं किस प्रकार से अच्छी बना के रख सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। भाषा कोई समझे या ना समझे, भावनाएं सब कोई समझते हैं। और आपने पूछा है हम अपनी भावनाओं को किस प्रकार संभाले। मैं तो ये कहता हूँ, मन में सद्भावना रखो तो भावनाएं अपने आप संभले रहें, दुर्भावनाओं को हावी ना होने दें। जब जब मन में अशुभ भावनाएं हावी होती है, चीज़ें हमारे हाथ से छिटक जाती, तो हम अपने आप को दुर्भावनाओं से यथासंभव बचाने की कोशिश करें, भावनाएं निर्मल बने रहें। ब्रह्मचारी सुनीता दीदी जी बांसा शिरोमणि संरक्षक, उसके बाद महाराज जी के लिए रिजर्व है। हाँ, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, सभी मनराजों के चरणों में नमोस्तु, सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हम लोग जो आहार दान देते हैं, हाँ बोलो, जो हम लोग आहार दान देते हैं तो द्रव्य शुद्धि के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कृपया मार्गदर्शित करें। देखो, द्रव्य शुद्धि के लिए और जो बातों का ध्यान रखना चाहिए वो तो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि गाड़ी छूटने वाली। एक बात आप सबको आज बता देता हूं, आप चौके में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोलते हैं, और पेस्टिसाइड और रासायनिक खादों से युक्त आहार देते हैं, तो आपका आहार शुद्ध कहाँ है? यह तो बीमारी का घर और हिंसा है, रोग की जड़ है। इसलिए आज मैं इस मंच से बताए दे रहा हूँ, और 4-5 दिन की आपको मोहलत दे रहा हूँ। आज कितनी तारीख है? 24 तारीख है ना, 28 तारीख तक की आपको छूट है। 29 तारीख से हमारा संघ जब आप शुद्धि बुलवाओगे तो पूछेगा ऑर्गेनिक है कि नहीं। अगर आपकी सब्जियां, आपका अनाज, आपके मसाले ऑर्गेनिक होंगे तो साधु आपके आहार लेगा, नहीं तो शुद्धि में ही बोलो महाराज जी ऑर्गेनिक है, हमारे यहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक है। अगर आप ऑर्गेनिक का प्रबंध नहीं कर पाए तो हम लोग पानी पी के आ जाएंगे, पानी तो ऑर्गेनिक मिल जाएगा। अब वो उनके बस की नहीं है तो लौट भी सकते हैं, लेकिन ये व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी है, और धर्म प्रभावना समिति ने यह व्यवस्था कर भी दी है सारे चीज़ें। मैं तो चाहता हूँ उसका स्टाल ही लग जाए, या जो नोटिस बोर्ड लग गया है, सब जगह चीज़ें उपलब्ध होती है साधुओं के सेहत को संभालने के लिए, और आप अपने खुद के स्वास्थ्य को संभालने के लिए आपको ये उपक्रम करना बहुत जरूरी, तभी कुछ हो सकेगा। अभी महाराज श्री का सवाल होना था, लेकिन एक सूचना मैं ही दे देता हूँ महाराज श्री की तरफ से। आगामी 29 तारीख सोमवार से 7 बजे से 8 बजे तक जैनम की कक्षाएं 6 से 7 जैनम की कक्षाएं महाराज श्री के सानिध्य में महाराज श्री के द्वारा ली जाएगी। बहुत अनूठी कक्षा, खासकर युवाओं के लिए, जो 15 से 45 साल के युवक युवतियों के लिए है, वो क्लास अवश्य अटेंड करें। उसके फार्म यहाँ उपलब्ध हैं, आप सब फार्म
भर करके उसमें रखें ताकि आपको उसकी आवश्यक सामग्री दी जाए और ये सूचना आप सब लोगों तक पहुंचा दे। ये क्लास केवल स्थानीय लोगों के लिए है, दूरवर्ती लोगों को प्रमाणिक ऐप और अन्य माध्यमों से दिखाई जाएगी। दूसरी 26 से 28 तारीख तक 3 दिवसीय बाल शिक्षण शिविर का आयोजन महाराज श्री के द्वारा शाम को 7 बजे से 8 बजे तक होगा। आप अपने बच्चों को उसमें शामिल करें ताकि बच्चे अच्छे से प्रेरणा पाकर अपने जीवन को सुखी बना सके, अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। महाराज श्री ने मुझसे पूछा है कल का प्रवचन का विषय क्या होगा, तो मैं यही कहूँगा जो आज का विषय है उसका ही दूसरा चरण कल होगा। सेल्फ सेटिस्फेक्शन तब तक होगा जब तक आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।